हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोबित और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि कैनन के जो प्रिंटर्स हैं उसमें इंक डलवाते हैं बाहर से, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो चलना बंद हो जाता है, ब्लैक लाइट ब्लैक कलर वाली जो लाइट होती है वो ब्लिंक करने लगती है, लैपटॉप दिखा देता है कि इंक है ही नहीं। अब उसके लिए मैंने काफ़ी सारी वीडियोज सर्च करी हैं और वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चली है कि अगर आपका कभी कैनन का जो प्रिंटर स्पेशली कैनन का जो प्रिंटर होता है उसके लिए बता एचपी का मेरे पास है भी नहीं तो मैंने यूज़ नहीं करा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और आपको दिख रहा है कार्टेज पेपर निकाल के एक वाइट पेपर में रब करके देखिए नीचे से, अगर ब्लैक इंक आ रही है तो इसका मतलब कार्टेज तो फिल्ड है लेकिन फिर भी मना कर रहा है अगर प्रिंटर, तो उसके बाद आप कनेक्ट कीजिए कंप्यूटर से, कनेक्ट नहीं करना कोई भी चीज़ स्कैनिंग पर डाल दीजिए स्कैन करके प्रिंट करने के लिए स्कैनर के थ्रू प्रिंटिंग आने के लिए, और जो स्टॉप वाला बटन होता है उसको ना कुछ देर तक दबा के रखिए, 5 सेकंड 5-6 सेकंड में दबा के रखिए तो लाइट्स ना ऑटोमेटिक बंद होंगी मिल जाएंगी, एक तरीके से रिस्टार्ट होता है रिबूट होता है रिसेट हो जाता है। तो उसके बाद जैसे ही आपका उसके बाद ना कुछ देर बाद आपका प्रिंट आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए और मैं डेवलप करूँगा वीडियोज़ को, अभी ये बेसिकली बनाया मैंने क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैक्सिमम 2 मिनट का वीडियो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो।